तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जल्दी जल्दी से डेफिनेशन देखी, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है ना, हम आगे की डेफिनेशन सब कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई हमें प्रोडक्ट की, ठीक। देखिए प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, गुड्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, या इनका एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है। सिंपल वर्ड में प्रोडक्ट मतलब भी हम गुड्स ही समझते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट की डेफिनेशन का स्कोप इन्होंने बढ़ाते समय बोल दिया है, कोई आर्टिकल हो, कोई गुड्स हो, सब्सटेंस हो, रॉ मटेरियल हो, या इनका एक्सटेंडेड फॉर्म हो, जो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है ना। मतलब बोल दिया है कि वो प्रोडक्ट सॉलिड रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस तीन ही तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर बोल दिया है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी इंटरनल वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू इस तरह से है कि वो जब किसी प्रोडक्ट के साथ असेंबल होगा तो उसकी वैल्यू तब रियलाइज होगी, या वो एज अ कंपोनेंट जब यूज होगा तब उसकी वैल्यू रियलाइज होगी। मतलब प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्वालिटी है, प्रोडक्ट की ऐसी कंडीशन है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनल वैल्यू, उसकी क्वालिटी इस तरह से है कि वो जब यूज किया जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ असेंबल होकर, तो उसकी क्वालिटी को आप यूज कर पाओगे, या अदरवाइज एज ए कंपोनेंट भी उसकी क्वालिटी को आप यूज कर सकते हो। बट प्रोडक्ट में इंक्लूडेड नहीं है ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन्स, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन की बाइंग एंड सेलिंग हो नहीं सकती है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, है ना। तो हमने बोल दिया था क्या कि जो प्रोडक्ट बेचा गया है कंज्यूमर को, अगर उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट के कारण जो हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। चले वापस देखते हैं क्या बोला है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की, सेलर की, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी, किस चीज के लिए, बोले कंपनसेट करने के लिए। किस चीज के लिए, बोले कंपनसेट करने के लिए। काहे से कंपनसेट, बोले हार्म हुआ है। किसको हार्म हुआ है, बोले कंज्यूमर को हार्म हुआ है। क्यों, बोले डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डेफिशिएंसी थी सर्विसेज में उसके कारण। तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने के कारण या सर्विसेज में डेफिशिएंसी होने के कारण कंज्यूमर को जो हार्म पहुंचा है, वो हार्म प्रोडक्ट लाइबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, है ना। अब अगर हम इसे ऊपर वाली डेफिनेशन के साथ ही कनेक्ट करके पढ़ें, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के साथ ही कनेक्ट करके पढ़ें, तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट के सेलर की, किस कारण से। तो बोले उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने के कारण, सर्विसेस में डेफिशिएंसी होने के कारण कंज्यूमर को जो हार्म हुआ है, उस हार्म को कंपनसेट करने की, ठीक है। अब प्रोडक्ट में डिफेक्ट था या सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी जिसके कारण कंज्यूमर को हार्म पहुंचा, तो क्या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर सीधे कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगा क्या? नहीं, हमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमें उसके अगेंस्ट एज ए कंज्यूमर, हमें उसके अगेंस्ट क्या लेना पड़ेगा? एक्शन। तो इन दोनों चीजों को जोड़ दें, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मतलब प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला पोर्शन जो था, जिसके के कारण नुकसान हुआ, उस नुकसान का कंपनसेशन लेने के लिए कंज्यूमर जब कोर्ट में केस फाइल करेगा, तो यहां कोर्ट में तो केस होगा नहीं, यहां डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट फोरम है, नेशनल कमीशन है, इनके पास होगा। तो उनके पास जब कंप्लेन फाइल की जाएगी, उसे बोला गया है एक्शन लेना। जैसे हमने सिविल क्रिमिनल में पढ़ा था ना, कॉज ऑफ एक्शन मतलब केस फाइल करने के कारण। तो यहां प्रोडक्ट लाइबिलिटी के कारण जो एक्शन लिया गया है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। देखें क्या बोला है, तो एक्शन मीन्स हो जाएगा कंप्लेन जो फाइल की जाती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, स्टेट कमीशन के अंदर, नेशनल कमीशन के अंदर, काहे के लिए, क्लेम करने के लिए कंपनसेशन जो कि हार्म के कारण हुआ है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के कारण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक। अब बोले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर में किसको, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन वैसी ही है जैसे लीगल मेट्रोलॉजी में हमने या स्टैंडर्ड ऑफ एक्ट्स एंड मेजर्स के अंदर हमने पढ़ी थी। सबसे पहले बोल दिया है मैन्युफैक्चरर मतलब, तो वही हुआ जो कि उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बना रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है। तो बोल दिया है कि वो खुद उस प्रोडक्ट को बनाए या उनके पार्ट्स को बनाए। दूसरा,
किसी दूसरे ने जो पार्ट बनाए हैं उन्हें असेंबल करके अपना एक प्रोडक्ट बना दे। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर के केस में क्या होता है, एक कंपनी जो सारे पार्ट्स को बना रही है, उन पार्ट्स को असेंबल करके फाइनली प्रोडक्ट पर अपना नाम लिख रही है। दूसरी एक कंपनी है जो एक भी पार्ट नहीं बना रही है, अलग अलग व्यक्ति उन्हें अलग अलग प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ने जो पार्ट्स बनाए हैं उन्हें असेंबल कर रही है, और असेंबल करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आया उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा रही है ना। फिर क्या बोला है, किसी से बना बनाया प्रोडक्ट खरीद लिया है उसके ऊपर अपना नाम लगा दिया कि ये तो मैंने बनाया है, ये तो मेरा बनाया हुआ है, है ना। फिर मेक्स अ प्रोडक्ट एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर, पैकेज, सब करते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर कमर्शियल पर्पस से यूज करने के लिए वो काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर डिजाइनर हो, प्रोड्यूसर है, फैब्रिकेट करता हो, कंस्ट्रक्ट करता हो, रीमैन्युफैक्चर करता हो किसी प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट सेलर है। प्रोडक्ट सेलर कौन होता है, ये अगली डेफिनेशन के अंदर अपने को दिया है, है ना। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन हमें यही बोलता है कि वो प्रोडक्ट को या उसके किसी पार्ट को बना रहा है। दूसरा बोल रहा है उसने किसी पार्ट को नहीं बनाया है, बनाया किसी और ने है, उसने तो उसे क्या किया है, केवल असेंबल करके अपना नाम उसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। तीसरा बोलता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट पर अपना नाम लगा दिया, उसने कोई असेंबल भी नहीं करा, बना बनाया प्रोडक्ट खरीदा बट उस पर अपना ठप्पा लगा दिया कि मैंने बनाया है, है ना। फिर कमर्शियल पर्पस से यूज करने लायक अगर किसी प्रोडक्ट को वो बना रहा है तो मैन्युफैक्चरर है। फिर वो डिजाइनिंग करता है, फैब्रिकेट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, या वो प्रोडक्ट सेलर है। इन सबको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में लिया है। ये सब डेफिनेशन नहीं है, ये आपको पहले नहीं दी थी। हाँ, रेफरेंस के अंदर मैंने आपको केवल बता दिया कि ये किससे कनेक्टेड है, तो बोले अपन ने जो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन देखी थी, बहुत कुछ उसके जैसी, बहुत कुछ। नेक्स्ट दिया है प्रोडक्ट सेलर। तो प्रोडक्ट सेलर बोल दिया है किसी प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में कोई भी पर्सन जिसका बिजनेस, कोई भी पर्सन जिसका बिजनेस, किस काय का बिजनेस है, बोले इंपोर्ट करने का, प्रोडक्ट को सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, लीज पर देने का, इंस्टॉल करने का, प्रिपेयर करने का, पैकेज करने का, लेबल का, मार्केटिंग का, रिपेयर करने का, या अदरवाइज उस प्रोडक्ट को कमर्शियल पर्पस से फिट बनाने का। वापस से, प्रोडक्ट सेलर के अंदर कौन आता है, तो सबसे पहले बोल दिया है कोई भी पर्सन होना चाहिए जिसका बिजनेस हो, कोई भी पर्सन होना चाहिए जिसका बिजनेस हो, काहे का, बोले प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का या प्रोडक्ट को बेचने का। मतलब इंपोर्टर प्रोडक्ट सेलर होता है, सेलर ट्रेडर प्रोडक्ट सेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट सेलर होता है, लेजर प्रोडक्ट सेलर होता है, इंस्टॉलर प्रोडक्ट सेलर होता है, प्रिपेरेटर जो होता है वो प्रोडक्ट सेलर होता है, प्रोडक्ट को जो पैकेज कर रहा है वो प्रोडक्ट सेलर होता है, उसकी जो लेबलिंग करता है प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट सेलर होता है, उसकी जो मार्केटिंग कर रहा है वो भी प्रोडक्ट सेलर होता है, उसको रिपेयर करके दे रहा है वो भी प्रोडक्ट सेलर होता है, या अदरवाइज उसे कमर्शियल पर्पज से फिट बनाने के लिए जो भी व्यक्ति काम करता है, सब प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यूं समझो कि जो प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा वाइड दी गई है। प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी के अंदर हमने लगभग सभी पर्संस को इंक्लूड कर लिया है। तो ये एक पोर्शन था जिसके अंदर ये बताया है कि प्रोडक्ट सेलर के अंदर लगभग सब पर्सन आ जाएंगे। प्रोड्यूसर आ जाएगा, इंपोर्टर आ जाएगा, सेलर आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को छोड़कर लगभग सब आ जाएंगे, है ना, जो इंपोर्ट करते हो, सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फिर इन्होंने सेकंड पोर्शन में बोला है, इसमें इंक्लूड किया गया है मैन्युफैक्चरर को जो कि प्रोडक्ट सेलर हो। मतलब एक पर्सन जो गुड्स बनाने के बाद खुद ही बेच रहा है, जैसे होता ना मार्केटिंग प्रोडक्शन टू रिटेल तक सारा काम एक ही कंपनी करे, जैसे विशाल गारमेंट्स वाला है, वो बोलता है मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल हमारा पूरा काम है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वही अगर सेल भी कर रहा है तो वो प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा। इवन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे भी इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन इन पर्सन को प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है। तो पहला दिया हुआ है हमें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेलर को इंक्लूड नहीं किया है, सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे भी हम यहां कंज्यूमर की जो डेफिनेशन देखी थी, कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर काय की सेल आती है, गुड्स की, गुड्स के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की जा रही है उसे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन
डेफिनेशन के स्कोप को बढ़ाते हुए क्या बोल दिया है कि अगर वो पर्सन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस कर रहा है या कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स या फ्लैट्स कर रहा है तो उसे इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि होता क्या है जैसे रेरा भी आया था तो रेरा का ऑब्जेक्ट भी यही था कि जो एक्चुअल बायर होता है जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइमली मिल जाना चाहिए कि उसे कंस्ट्रक्ट करके दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है उस पर्सन को जो कंस्ट्रक्टेड हाउस सेल कर रहा है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स करता है या फ्लैट करता है उन्हें इंक्लूड किया, बट जमीन वगैरह जो बेची जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इस पर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकल पाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे बोल दिया है कि जो पर्सन प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर उसे इंक्लूड नहीं किया है, जो पर्सन प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो जो दो तरह की चीजें थी ना हमारी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है इंक्लूड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस जिसमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। एंड एक पर्सन जो केवल फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है, मतलब फंड प्रोवाइड कर रहा है गुड्स को खरीदने बेचने के पर्पज से, जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए फंड प्रोवाइड कर देते हैं। फिर जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, होलसेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, डायरेक्ट सेलर या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, उसे भी इंक्लूड नहीं किया है। एंड लास्ट, जो लीज पर देता है प्रोडक्ट को विदाउट हैविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड डिस्कवर डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट अंडर अ लीज अरेंजमेंट इन विच द सिलेक्शन पोजेशन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन अदर देन द लेजर। मतलब एक पर्सन प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, लीज पर दे रहा है। अब जो पर्सन प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है वो लेजर कहलाएगा, है ना, बट लेजर के कंट्रोल में कोई भी चीज नहीं है, है ना। जैसे लास्ट वाली लाइन के अंदर बताया ना क्या कि आर कंट्रोल बाय पर्सन अदर देन अ लेजर, मतलब प्रॉपर्टी लीज पर तो आपने शर्मा जी से ली है बट शर्मा जी के हाथ में कोई भी चीज नहीं है, वो बाकी सारी चीजें किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो फिर एज अ लेजर शर्मा जी प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, ठीक। तो प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं, है ना, फटाफट से लेते हैं अपन। क्या बोला है, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में कोई भी पर्सन जिसका बिजनेस ही काय का हो, इंपोर्ट करने का, सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, लीज पर देने का, नॉर्मली लीज पर जो दे रहा है वो प्रोडक्ट सेलर है, बट अगर लेजर के कंट्रोल में कोई चीज नहीं है, लेजर का तो केवल नाम है, वो सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में लेजर जो अभी हमने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा है प्रोडक्ट सेलर नहीं कहलाएगा, है ना। फिर इसमें इंक्लूड किया है मैन्युफैक्चरर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी, बट इंक्लूड नहीं किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को, प्रोफेशनल सर्विसेज जो दी जाती है उनको, फाइनेंशियल कैपेसिटी में जो काम कर रहा है उनको, जो मैन्युफैक्चरर ये इस कैपेसिटी में नहीं आते हैं उनको, और लीज के केस में केवल उस सिचुएशन में लेजर को इंक्लूड नहीं किया है जब उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो बेटा नाम से क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में जो व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। हो सकता है वो रिपेयर से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हो सकता है वो आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा हो, किसी भी तरह की सर्विसेज दे रहा हो, है ना। तो बोल दिया प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इन रिलेशन टू प्रोडक्ट मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट। तो हमने तो गुड्स खरीदा है, हमने सर्विसेज नहीं ली है, बट उस गुड्स के रिलेशनशिप में, उस प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। जैसे हमने कंप्यूटर परचेस किया, अब कंप्यूटर के ओनर ने हमसे सर्विस एग्रीमेंट भी किया है, बोले क्या इस कंप्यूटर के रिलेशनशिप में आपको मेंटेनेंस सर्विसेज हम देंगे, तो वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। रेगुलेशन, रेगुलेटर, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं आप। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पुराने एक्ट के अंदर देखा था, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमने जैसा पढ़ा था वैसा के वैसा, बेटा एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है, तो इसकी टेंशन अलग से नहीं लेना है,
ना, सर्विसेज की डेफिनेशन भी एज इट इज वैसी की वैसी ही है जैसा हमने पुराने एक्ट के अंदर देखी थी। तो इसको भी इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा था कि जो डेफिनेशंस आपको पुराने वाले एक्ट की याद है आप वो लिख देना, बाय चांस अगर आपने ये वाला एक्ट नहीं किया हो या इससे रिलेटेड कोई चीज याद नहीं आ रही हो, बट सेक्शन नंबर कोट मत करना क्योंकि सेक्शन नंबर सब अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो सर्विसेज में बोल दिया सभी तरह की सर्विसेज जो पोटेंशियल यूजर्स को अवेलेबल कराई जाती है, विच इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सब चीजें आ गई हैं। फिर बोल दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस और ऑफ पर्सनल सर्विस में जो डिफरेंस हमने देखा था वो यहां बताया गया है, ये अपना हो चुका है, इसमें नया कुछ नहीं है। स्पूरियस गुड्स मतलब होता है नकली गुड्स। स्पूरियस गुड्स मतलब क्या होता है? नकली गुड्स मतलब एक गुड्स जो फॉल्सली क्लेम करता है कि वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, बट जो नकली डुप्लीकेट गुड्स होते हैं, जैसे होता है ना कि जो बड़े बड़े ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब कंज्यूमर को अगर दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है और सेलर ने क्या किया है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको बेच दी है, तो वो स्प्यूरियस गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब नकली है। वो क्लेम कर रहा है कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, बट वो नहीं है। स्टेट कमीशन आप समझते ही हैं बेटा, ट्रेडर। तो ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडर मतलब क्या हो गया? जो खरीद कर गुड्स को बेच रहा है, एंड उसके रिलेशनशिप में ही बोला है, मतलब वो पर्सन जो सेल करता है गुड्स को फॉर सेल, एंड मैन्युफैक्चरर को भी इंक्लूड किया गया है अगर वो भी डायरेक्टली गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो नेक्स्ट है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से समझेंगे इसको। बोल दिया है हमने सबसे पहले तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा एक तो फेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल हो दोनों पार्टीज के लिए, एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को कंट्रोल कर रही है एंड दूसरा उसमें सफर कर रहा है। बिल्कुल, मतलब सबसे पहले तो आप समझो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज चाहिए होती हैं। यहां दो पार्टी कौन है? एक तो कंज्यूमर है, एक तरफ तो कंज्यूमर है, एंड दूसरी तरफ उस कंज्यूमर का एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? मैन्युफैक्चरर के साथ या ट्रेडर के साथ या सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो एक तरफ तो कौन है? मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है वन हैंड, एंड दूसरी तरफ कौन है? कंज्यूमर है। तो दो पार्टी में से एक कंपल्सरीली कंज्यूमर है, दूसरी मैन्युफैक्चरर हो सकती है, ट्रेडर हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है, कोई भी, हमने किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया हो सकता है। तो चलो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिग्निफिकेंट चेंज करती है कंज्यूमर के राइट्स के अंदर, जिसमें इनको इंक्लूड किया है। मतलब डेफिनेशन दो पार्ट के अंदर दी गई है, एक जनरली बोल दिया है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है विच कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द राइट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो राइट्स बताए हैं, कंज्यूमर के जो लीगल राइट्स होते हैं या कंज्यूमर के जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए, उन राइट्स को सिग्निफिकेंटली चेंज कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंटली चेंज कर रही है। ये पोर्शन बेटा जनरल है, ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो कंज्यूमर के राइट को सिग्निफिकेंटली चेंज करे, चाहे वो लॉ राइट लॉ के द्वारा प्रोवाइड हो या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड हो, उन राइट को सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंटली हाई लेवल तक एक्सट्रीम में जाकर चेंज कर रही है। ऑब्वियसली वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट अगर चेंज पॉजिटिव है, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, क्योंकि इस एक्ट का पर्पस तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। डेफिनेटली वो टर्म्स एंड कंडीशन कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, मतलब उसके लिए डेट्रीमेंट है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तभी तो हमने बोला वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, अनफेयर है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है तो फिर कंज्यूमर का इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो रहा है ना, आपको करने की जरूरत थोड़ी है। हम तो यहां यही बोल रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट है, एंड फिर स्पेसिफिकली बोल दिया इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जिसमें इनको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। ये स्पेसिफिक पोर्शन हो गया और ये हो गया जनरल प्रोविजन।
तो जनरली भी ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो जो कंज्यूमर के राइट को सिग्निफिकेंटली चेंज करती हो, जो एज ए कंज्यूमर मेरे राइट है उन राइट्स को हर्ट करती हो सिग्निफिकेंटली, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली माना है कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगी। पहला क्या बोला है कि कंज्यूमर से एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के परफॉर्मेंस के लिए। कंज्यूमर से बहुत ज्यादा अमाउंट का, एक्सेसिवली अमाउंट का डिपॉजिट लिया जा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है कि अगर ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन जो कंज्यूमर देगा वो एक्सेसिवली है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, बहुत ज्यादा कंपनसेशन उससे मांगा जा रहा है अगर कंज्यूमर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कंप्लायंस किया जाता है तो। अब हम कैसे मानेंगे कि ये कम कंपनसेशन है ज्यादा, तो सिंपल से वर्ड में ये कहा है कि नॉर्मली उस ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जितना लॉस हुआ है उस एक्चुअल लॉस को अगर हम देखो और कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस पे करने की बात की गई दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है, दोनों रिलेटेड नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट है, बहुत अलग अलग जा रहे हैं, सिंपल वर्ड में ये कहा है। आपको समझ में आई मेरी बात? तो पहले पॉइंट में बोल दिया था कि बहुत ज्यादा डिपॉजिट ले रहे हैं, मान लो कंज्यूमर का मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म मैन्युफैक्चरर को भी करना है, कंज्यूमर को भी करना है, अपना अपना पार्ट दोनों पूरा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के राइट होते हैं, दोनों के ऑब्लिगेशन होते हैं, तो कंज्यूमर के ऊपर अनजस्टिफाइड कंडीशन लगाते हुए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करें उसके लिए उससे बहुत ज्यादा एडवांस ले लिया हमने। नॉर्मली एडवांस कितना होता है? 10% 20%, मालूम पड़ा उससे 60-70%, मालूम पड़ा हमने पूरा पैसा उससे पहले धरवा लिया एज एन एडवांस। तो अब ये क्या होगा बेटा, एक्सेसिव क्या होगा, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। दूसरा तो बोला है कि ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर हमने कंज्यूमर को बोल दिया है कि तेरे को इतने करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी, जबकि ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर लॉस 1000 रुपए का भी नहीं हुआ हो या 1 लाख का भी नहीं हुआ हो, आप करोड़ों रुपए की पेनल्टी मांग रहे हो उससे। फिर तीसरा क्या बोला है कि अगर वो अपने डेट का अर्ली पेमेंट करना चाहता है, प्री पेमेंट करना चाहता है, प्री पेमेंट मतलब जितने ड्यूरेशन का अमाउंट था लोन था उसके पहले पेमेंट, क्या मतलब, जैसे हो सकता है हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा हो, क्रेडिट पर 6 महीने की क्रेडिट पर गुड्स खरीदा है ना, अब हमने 1 महीने बाद ही हम पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट ले नहीं रहा है या हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रहा है। देखें, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली पेमेंट ऑफ डेट ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल पेनल्टी। नॉर्मली बैंक वगैरह भी जो होती हैं, जिनसे हम लोन लेते हैं तो हमें राइट होता है कि ड्यूरेशन खत्म होने से पहले हम पेमेंट कर सकते हैं, उसे प्री पेमेंट कहा जाता है, टोपा के अंदर पड़ा है अपन ने। अब अगर प्री पेमेंट हो रहा है तो उन्हें नॉमिनल पेनल्टी चार्ज करने का राइट होता है, बट आरबीआई ने वो पेनल्टी चार्ज करने से भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां हम प्री पेमेंट करना चाहते हैं, भाई ने रिफ्यूज कर दिया, बोले नहीं लूंगा पेमेंट। फिर क्या बोला है कि यूनिलेटरल मतलब सिंगल पार्टी एक्शन, मतलब हमें, चलो हम तो कंज्यूमर हो गए, मतलब मैन्युफैक्चरर को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, एंड मैन्युफैक्चरर जब टर्मिनेट कर रहा है तो उससे कंज्यूमर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, तो entitling a party to the contract to terminate such contract unilaterally, unilaterally मतलब सिंगल पार्टी एक्शन, सिंगल पार्टी एक्शन मतलब कंज्यूमर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरर या सेलर या ट्रेडर जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने अपने पास ये राइट रिजर्व रखा कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जबकि कंज्यूमर के पास कैंसिल करने का राइट नहीं है, एंड वो जो कैंसिल किया जाएगा वो भी विदाउट कॉजेस किया जाएगा। चल फिर क्या बोला है कि जो प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर वो कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर सकता है, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर होता है, जैसे मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं आप कंज्यूमर हो, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, आपको मेरे से गुड्स लेना था, बट मैंने क्या किया कि मेरा जो राइट था वो असाइन कर दिया शर्मा जी के फेवर में, अब बोला मेरी जगह आप गुड्स किससे लेना, शर्मा जी से लेना, जबकि शर्मा जी से गुड्स लेने में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना आपके इंटरेस्ट के क्या जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम हमारे राइट्स को
असाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने एज अ मैन्युफैक्चरर आपके राइट को क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि आप उससे लेना, एंड ऐसा करना आपके इंटरेस्ट के क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, डेट्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसमें कंज्यूमर की मैंने कंसेंट भी नहीं ली, मैंने यूनिलेटरल एक्शन ले लिया है। फिर अदरवाइज कंज्यूमर पर अनरीजनेबल चार्जेस, ऑब्लिगेशन या कंडीशन लगाई जा रही है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के क्या है, अगेंस्ट। फिर से रिवाइज करते हैं, बोले अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले तो समझ में आ रहा है कि फेयर नहीं है, फेयर नहीं मतलब ऐसा नहीं गोरा गोरा नहीं, फेयर नहीं मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेसिवली हार्मफुल है किसी एक पार्टी के लिए, एंड वो एक पार्टी कौन है, बोले कंज्यूमर है। तो सबसे पहले तो बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक तरफ तो कौन है, कंज्यूमर, एंड दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है या सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिग्निफिकेंट चेंज करती है कंज्यूमर के राइट्स के अंदर। ये जनरल कि भाई इन छह के अलावा भी ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो बाद में लगता है कि कंज्यूमर के राइट को सिग्निफिकेंट चेंज करती है, उसे हमने ले लिया है। फिर सेकंड क्या बोल दिया, बोले ये सारी चीजें जो हैं ये तो हमने अनफेयर मान ही ली है। पहला क्या, बोले एक्सेसिवली डिपॉजिट ले रहे हो, कीवर्ड याद रखना है, बाकी आपको सेंटेंस मन से बनाना है। दूसरा क्या है, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर उससे बहुत ज्यादा पेनल्टी ले रहे हो जो डिस्प्रोपोर्शनेट है। तीसरा, प्री पेमेंट करने से उसे मना कर दिया है आपने। फोर्थ, आपको यूनिलेटरल राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो विदाउट सफिशियंट कॉजेस। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर रहे हो बिना कंज्यूमर से पूछे और कंज्यूमर का उसमें नुकसान हो रहा है। एंड लास्ट, लास्ट क्या बोला, आप उसके ऊपर अनरीजनेबल चार्जेस ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहे हो। यहां तक की कहानी समझ में आई,